फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सनालिटी पर बेस है। दोस्तों, आज हम आपको नागपुर में एक ऐसे 64 ईयर बाबा के स्टॉल पर लेके आए हैं, जो साइकिल पर ही 25 साल से ड्राई फूड वाले दही भल्ले बेचते हैं। आपने शादियों में, पार्टियों में, होटल्स में बहुत जगह दही भल्ले टेस्ट किए होंगे, बट ये दिल्ली स्टाइल गुप्ता जी के दही भल्ले आप टेस्ट करें, आप सभी का टेस्ट भूल जाओगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, हमने इसका प्रॉपर लोकेशन बताया है, तो देखते रहिए वीडियो। हमारे स्पाइसी नागपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन दबाइए। फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज रहे हैं और काका अपने स्टॉल लगाने के लिए जगह देख रहे हैं। दोस्तों, ये सराफा बाजार की दुकानें बंद होने के बाद ये दुकान के सामने ही ये भल्ले का स्टॉल लगाते हैं। तो आइए हम इनका एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। दोस्तों, अभी हम इतवारी शहीद चौक के सराफा बाजार में है और उसके आगे आपको माता का मंदिर दिख रहा होगा, बिल्कुल उसके पास ही ये काका साइकिल पे अपना स्टॉल लगा रहे हैं। क्या प्राइस है हमको? ये 30 रुपए का है। 30 रुपए का जी। इसमें क्या क्या स्टफिंग क्या रहती है अपनी? इसके अंदर ड्राई फ्रूट है, मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, क्या इसके अंदर होगा? ड्राई फ्रूट है, ये देखो ना, काजू है, किशमिश है। अच्छा, सबको अलग अलग सब में ड्राई फ्रूट डालते हो? सब में ड्राई फ्रूट। कितना होता है? 30। ये मीठी चटनी, ये मीठी चटनी है, ये चाट मसाला है, ये मिर्ची है, ये सादा नमक है, ये जीरा पाउडर है, ये तैयार हो। कितने सालों से लगा रहे हैं दादा? अभी ये तो मैं कम से कम 25 साल हो गए। अच्छा, पहले क्या करते थे दादा? मेरा चार्ट कॉर्नर था। अच्छा अच्छा, फिर अभी क्या बंद हो गया हो? अभी बंद कर दिया। अभी ये कितने साल से दही भल्ले बेच रहे हैं? ये दही भल्ले को 5 साल हो गए। फिर से बता। क्या सर? मीठी चटनी है जी, नमक है, चाट मसाला। रात में आप लगाते हो ना ये? हम यहाँ पे 8 बजे से 11 बजे रात तक रहते हैं। अच्छा, ये दिल्ली का आइटम, दिल्ली का आइटम। बाहर के यूज नहीं करते क्योंकि इसमें ज्यादा क्रीम रहता घर की, और पैकेट वाले दही में मजा नहीं आता खाने में। घर का दही मलाईदार में है ना? हाँ, मलाईदार। इसमें दही ही मेन है। ये भैया भैंस का दही की मेन है, दही अच्छा रहा तो ही अच्छा लगेगा। दही और आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दही देते हो, क्वांटिटी ज्यादा रहता है। यही तो दो लोगों का दही अलग रखो, इसका अलग रखो, बात सब सही है। मेरी बात में काका, नाम क्या है आपका वैसे? श्री गोपाल गुप्ता जी। अच्छा, गुप्ता जी का स्पेशल दही भल्ला। दही भल्ला इसमें ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, नमक जो है अपने हिसाब से डाल लेना। मैं डाला हूँ नमक, में कितना बिक जाता होगा दही भल्ला? 100-150। रात में ही लगता ना आपका स्टॉल? रात में कितना टाइम है आपका? 11 बजे तक। और कितने बजे? 7 बजे से 8 बजे। 8 बजे, 7:30-8 बजे आ जाते हैं। मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। मैं कितने लेके जा रहे हो आप? 4 घर के लिए। और कब से खा रहे हो आप यहाँ पे? 2 साल से खा रहे हो। और टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, दूसरा है तो उसमें कम लगता है। और 10 में से नंबर दूँ, कितना नंबर दूंगी इसको टेस्ट को? 10 में से 9-10 देंगे। 10 और टेस्ट का बहुत ज़्यादा। और लोगों को सजेस्ट करेंगे खाने के लिए यहाँ पे? बिल्कुल, एक नंबर सर्व करेंगे, अच्छी चीज़ है। थैंक यू। हेल्दी है, पैसे भी नहीं। Thank you.
दिन भर में कितने पीस बिक जाते होंगे? 150 पीस निकल जाते हैं। 150 पीस नहीं भाव, पनीर तो नहीं। अपने दिल्ली स्टाइल है ये, दिल्ली में मिलते हैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स वाले। यह है कि दही इसमें भरपूर होना। हाँ, दही के बिना तो दही बल्ले का मजा ही नहीं। आप प्रॉपर नागपुर से हो कि बाहर से हो? नहीं, मेरा मैं तो शांति यानी के नागीपुर के है, ऐसे रहने वाले हम यूपी के इलाहाबाद। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 5 साल। 5 साल। और क्या रहता है आपके यहाँ पे स्पेशल? दही भल्ला। दही भल्ला ये कौन सा? दिल्ली स्टाइल का दिल्ली वाला दही भल्ला? ड्राई फ्रूट वाला है। ड्राई फ्रूट वाला दही भल्ला दिल्ली स्टाइल। इसका एड्रेस क्या आएगा? माता मंदिर के सामने ना, माता मंदिर के सामने शराफा बाजार। हाँ। और टाइमिंग क्या रहेगा? 8 से 11। 8 से 11। और दिन भर में कितने सेल हो जाते होंगे आपके दही भल्ले? और आपकी कितने साल के होंगे आप यहाँ पे? कितने साल के होंगे पूरे उम्र? 62 साल हो। 62 साल। फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि आप ये स्टॉल पर एक बार ये दही भल्ला जरूर जरूर ट्राई करें। तो ये बाबा बहुत दूर से 5 किलोमीटर साइकिल से यहाँ पर ये दही भल्ले का स्टॉल लगाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ आए, टेस्ट करें और आपको टेस्ट कैसा लगा ये कमेंट में जरूर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे नागपुर के अलग अलग स्ट्रीट फूड की वीडियो हमेशा पोस्ट करते रहे, तो आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।